श्रीदेवी के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने फेसबुक पर एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने श्रीदेवी के बारे में ढेर सारी बातें बताई हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर आरजीवी बताते हैं कि कैसे श्रीदेवी की पब्लिक लाइफ उनकी पर्सनल लाइफ से एकदम अलग थी। तो रामगोपाल वर्मा के इस नोट के बहाने हम आपको श्रीदेवी के वही किस्से, वही बातें, वही कहानियाँ बताएंगे जो उनके फैंस को अभी तक नहीं पता हैं। अपने नोट में आरजीवी सबसे पहले लिखते हैं कि कई नामों का जिक्र होने की वजह से मैंने खुद से बहस की कि मुझे ये नोट सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि श्रीदेवी किसी भी और से ज़्यादा अपने फैंस से बिलोंग करती हैं और उनके फैंस को सच जानने का हक है। राम गोपाल वर्मा, श्रीदेवी के फैंस के लिए मेरा लव लेटर, ये उन्होंने अपने नोट को टाइटल दिया है। वो लिखते हैं कि अपनी दो फिल्मों के दौरान मुझे श्रीदेवी को काफ़ी करीब से देखने का, जानने का मौका मिला। श्रीदेवी की ज़िंदगी एक क्लासिक केस है जो बताता है कि कैसे एक सेलिब्रिटी की पर्दे पर दिखने वाली या पब्लिक लाइफ में दिखने वाली ज़िंदगी उसकी पर्सनल ज़िंदगी से एकदम अलग होती है। श्रीदेवी की ज़िंदगी बहुत सारे लोगों के लिए परफेक्ट थी। एक खूबसूरत चेहरा, एक शानदार हुनर, एक स्थिर स्टेबल दिखने वाला परिवार और दो खूबसूरत बेटियाँ। कौन कहेगा कि श्रीदेवी को अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन क्या श्रीदेवी असल में खुश थी? इसका जवाब आरजीवी देते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उनकी जिंदगी आसमान में उड़ने वाले एक परिंदे की तरह थी जो उनके पिता की मौत के बाद पिंजड़े में बंद एक चिड़िया की तरह हो गई। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनकी माँ हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। राम गोपाल वर्मा लिखते हैं कि उन दिनों एक्टर्स को मिलने वाला अधिकतर मेहनताना ब्लैक मनी में होता था, तो टैक्स से जुड़े छापों के डर से श्रीदेवी के पिता दोस्तों और रिश्तेदारों पर भरोसा करते थे। लेकिन जब श्रीदेवी के पिता की मौत हुई तो इन सारे लोगों ने उन्हें धोखा दिया। इन सबसे परेशान जो श्रीदेवी की माँ थी, उन्होंने कई विवादित प्रॉपर्टीज़ में गलत इन्वेस्टमेंट किया और इसका नतीजा ये निकला कि एक मौके पर वो बिल्कुल दिवालिया होने की हालत में पहुँच गए। ये सब बोनी कपूर के श्रीदेवी की ज़िंदगी में आने के पहले की बात है। जब बोनी कपूर श्री की ज़िंदगी में आए तो उनके ऊपर भी कर्ज का भारी बोझ था और वो श्रीदेवी को रोने के लिए कंधे के अलावा कुछ नहीं दे सकते थे। राम गोपाल इस बारे में भी लिखते हैं कि अमेरिका में हुई दिमाग की गलत सर्जरी की वजह से श्रीदेवी की माँ मेंटल पेशेंट हो गई थी और इसी बीच श्रीदेवी की छोटी बहन श्रीलता अपने पड़ोसी के साथ भाग गई थी, उन्होंने शादी कर ली थी। मरने से पहले माँ ने सारी प्रॉपर्टी श्रीदेवी के नाम कर दी और जब ऐसा हुआ तब श्रीदेवी की बहन आई, वापस आई और उन्होंने कहा कि जब ने ये वसीयत लिखी थी तब वो अपनी मानसिक स्थिति में नहीं थी, तो इस वजह से और भी विवाद हुए। अपने नोट के सबसे सेंसिटिव हिस्से में राम गोपाल वर्मा बताते हैं कि जिस औरत को दुनिया में लाखों लोग चाहते थे उस मौके पर उसके पास ज़रा भी पैसे नहीं बचे थे और उसके पास बोनी कपूर के अलावा कुछ भी नहीं था। एक और कड़वा अनुभव राम गोपाल वर्मा शेयर करते हैं। वो लिखते हैं कि बोनी की माँ ने, जिनका नाम निर्मल कपूर है, उन्होंने श्रीदेवी को घर तोड़ने वाली कहा और बोनी की पहली पत्नी मोना के साथ बुरा करने के जवाब में, जो कि उनकी धारणा थी कि श्रीदेवी ने मोना के साथ बुरा किया था, उसके जवाब में एक 5-स्टार होटल की लॉबी में सबके सामने श्रीदेवी के पेट में मुक्का मारा था। इंग्लिश विंग्लिश नाम की जो फिल्म आई थी उसकी छोटी सी चमक के अलावा श्रीदेवी अपनी ज़िंदगी में अधिकतर मौक़ों पर एक दुखी महिला ही रहीं। भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी, निजी ज़िंदगी में लगातार ट्विस्ट आ रहे थे और इस सुपरस्टार के दिमाग में इतने गहरे घाव हो चुके थे जो बाद में कभी निकल नहीं पाए। ढेर सारे लोगों के लिए श्री सबसे खूबसूरत महिला थी, पर क्या वो खुद को खूबसूरत मानती थी? राम गोपाल वर्मा ये सवाल पूछते हैं और फिर जवाब देते हैं कि हाँ, वो मानती थी, लेकिन उम्र हर एक्ट्रेस का बुरा अपना होती है और श्रीदेवी भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं थी। कई सालों तक उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई जिसका असर दिखता भी था। आरजीवी लिखते हैं कि श्रीदेवी बाहर से हमेशा खुश दिखती थी लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपने दिमाग में एक दीवार बना ली थी। वो इस बात को लेकर बेहद डरती थी कि अगर कोई उनके अंदर चल रही चीज़ें देख लेगा तो क्या कहेगा। अगर कोई उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में जान जाता था तो श्रीदेवी पैनिक करने लगती थी और ये उनकी गलती नहीं थी। कम उम्र में बहुत ज़्यादा शोहरत मिलने लगी थी, उसके बाद लगातार काम करना पड़ा और इन सारी चीज़ों ने श्रीदेवी को कभी वो बनने का मौका नहीं दिया जो वो असल में थी। मेकअप लगाकर सिर्फ उन्हें कैमरे के सामने ही कुछ और नहीं बनना होता था बल्कि दिमाग का भी मेकअप करना होता था और फिर असल ज़िंदगी में भी लोगों के सामने कुछ और बनना होता था। आरजीवी लिखते हैं कि श्रीदेवी के पेरेंट्स, रिश्तेदार और उनके पति अपने मकसद के हिसाब से लगातार उन्हें डायरेक्शन देते रहते थे और एक हद तक उनके बच्चे भी ऐसा करते थे। कई स्टार पेरेंट्स की तरह श्रीदेवी को इस बात का बड़ा डर था कि कहीं उनके बच्चों को आगे जब वो अपना करियर शुरू करेंगे तो सोसाइटी में उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।
अपने नोट के आखिरी हिस्से में रामगोपाल वर्मा लिखते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहूं तो मैंने उन्हें सिर्फ कैमरे के सामने ही सुकून वाले भाव में देखा, वो भी एक्शन और कट की आवाज़ के बीच, क्योंकि यही वो वक्त था जब वो असल ज़िंदगी की कड़वाहट से दूर अपने सपनों के जहां में चली जाती थी। इसलिए अब मैं श्योर हूं कि वो हमेशा सुकून में रहेंगी, क्योंकि आखिरकार वो उन सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं जो उन्हें दर्द देती थीं। राम गोपाल वर्मा का ये नोट अगर आप मूलतः जो इंग्लिश में लिखा गया था, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो उनकी फेसबुक वॉल पर जाकर पढ़ सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल ललन टॉप के साथ। हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल दिल ललन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।